दोस्तों, आपका अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैं आपको कई बार कहता हूँ कि पौधा जब आपका ये लगे कि आपका सूखने लग गया या ख़राब हो गया, उसको तुरंत निकाल के मत फेंके। कभी कभी सूखे प्लांट दोबारा हरे भरे हो जाते हैं। ऐसा ही प्लांट से मिलाता हूँ मैं आज आपको टिकोमा। इसका सर्दियों में पौधे के पत्ते सारे लीफ घेर देता है और इसकी ब्रांचा बिल्कुल सूख जाती है। सिर्फ आपने उस समय एक काम करना होता है, जो सूखी हुई ब्रांचें हैं उनको प्रून कर दो, बाकी कभी ना कभी जरूर हरी होगी। देखो, मैं आपको अब वो पौधा दिखाता हूँ टिकोमे का। ये देखो, इसकी ब्रांच कितनी मैंने काट दिया। देखो, अभी आपको लग रहा है ये बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल सूख गई है, लेकिन अब दोबारा से जब सीजन शुरू हुआ तो इस प्लांट में सारे से लीफ दोबारा आ गए हैं और ब्रांच आप देख सकते हो। ये लगेगा आपको बिल्कुल जैसे ख़त्म हो गया पौधा। इसकी मैंने प्रूनिंग आपको देखो देख भी ली होगी, क्योंकि ज़्यादा सूख जहाँ तक बिल्कुल प्राण रहित तो हो जाए वो मैंने प्रून करके छोड़ दिया था, लेकिन पौधे को मैंने बाहर नहीं फेंका, क्योंकि मुझे पता है ये सर्दियों में डोरमेंसी में भी होता है। डोरमेंसी की वजह से इसके सारे लीफ ब्रांच बिल्कुल सूख जाती है, लेकिन यह झाड़ीनुमा पौधा है और इस पौधे के फ्लावर टिकोमा जैसे बंचिंग में आते हैं, 5-7 फ्लावर एक साथ खिलते हैं और बहुत हार्डी प्लांट है। इसको सर्दियों में सूख के समझकर बाहर मत घेरना। आमतौर पर गार्डन ये गलती कर देते हैं जो फर्स्ट टाइम इसको ले आते हैं। देखो, जिनके पास ये 1-2 साल से उनको तो पता है, सर्दियों में ये अपने पत्ते घेर देता है, लीफ भी अपनी बिल्कुल ऐसी कर देता है कि जैसे इसमें जान ही नहीं है, लेकिन पौधे में जान होती है। दूसरा देखो, रूट से नए प्लांट भी ये निकल चुका है। केयर वाटरिंग, इसमें आप वीक में 2 बार वाटरिंग करो, लेकिन जब भी वाटरिंग करो फुल वाटरिंग करें ताकि पौधे को नीचे तक यानी रूट तक बिल्कुल मिट्टी में पानी मिल जाए। दूसरा, इस पे जैसे फ्लावर ज़्यादा आते हैं तो इसकी मिट्टी सोल आप किस में लगाए। देखो, पोट तो आप इसको 10 इंची से 12 इंची 14 इंची जितना बड़ा रखना चाहे उसमें अनुसार आप पोट में लगा ले, लेकिन इसको ज़्यादा सनलाइट भी बर्दाश्त नहीं होती, तो ऐसा रखना कि बड़े पौधे के पास पास, ताकि इसके पत्ते में बेलनुमा चलते हैं तो लीफ मतलब टहनियाँ इसकी बेलनुमा टाइप में फैलती है, यानी चारों तरफ आपको नज़र भी आ रही होगी। देखो, तो इसके घना बहुत हो जाता है, तो सनलाइट से इसे मतलब 4-5 घंटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा देर सनलाइट बर्दाश्त से बाहर। अगर ये कल्ला पौधा है, अगर साथ में 2-4 पौधे हैं फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ मिट्टी सोल, इसको जैसे आपको पता कि बंचिंग में फ्लावर देता है और जो जितने ज़्यादा फ्लावरिंग देगा उस पौधे को हमें खाद उतनी ही डालनी होती है। जैसे कि मिट्टी में आपने 50% कम से कम खाद, 50% में आप 10% रेत भी मिला दे, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा वाटर होल्ड ना रखे, और 40% नॉर्मल मिट्टी। तो ये मिक्सचर में मैंने ये लगा रखा, आपने ज़्यादा भी देख लिया होगा। और खुदाई हर 15 दिन में कर दे, वाटरिंग जब भी आप करें इसको फुल वाटरिंग करें, लो वाटरिंग मत करें। डेली देने के बजाय जैसे आज पानी डाला तो आज इसको फुल अच्छी तरह से दें। आपने देख भी लिया होगा लगभग पोट में 3 इंच के करीब मैंने मिट्टी कम रख रखी है, ताकि जिस दिन पानी दे तो इसमें फुल वाटरिंग आ जाए, और उसके बाद इसको वाटरिंग 1 वीक देने की ज़रूरत नहीं है। फ्लावर इसके आपने टिकोमा के देख रखे हैं कितने सुंदर होते हैं, बंचिंग में आते हैं और आपके गार्डन में नई लुक देता है, जैसे बोगनविलिया देता है वैसे ये। और धूप आपको बता दिया, हाँ, सिर्फ इस पर कई बार क्या ब्लैक बर्ड या वाइट बर्ड का अटैक हो जाता है, तो कोशिश करें कंटिन्यूटी सावरिंग जरूर चेक करते रहे। अगर आपके पौधे पे किसी अटैक हुआ है तो आप नीम खली और कपूर को भी डालकर उसमें उसका स्प्रे स्प्रे कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई ज़्यादा केयर नहीं है, सिर्फ वाटरिंग आपने जब ऊपर की मिट्टी पूरी तरह सूख जाए उस टाइम डालनी, और फ्लावर आप इसके पूरी गर्मियों बड़े आनंद देंगे। और हैवी बंचिंग में फ्लावर आते हैं जैसे पुटूनिया होते हैं, पुटूनिया के फ्लावर थोड़े लाइट वेट उसमें होते हैं, यानी पत्ती नुमा में होते हैं, लेकिन इसके फ्लावर थोड़े मजबूत होते हैं, तो अच्छे फ्लावर है। बंचिंग में लंबे समय तक रहेंगे, 4-5 दिन तक एक फ्लावर खिला हुआ रहता है और बंचिंग में फ्लावर है। ये प्लांट आप भी लगा सकते हो।
केयर में धूप आपको बता दिया, गमला आपको बता दिया किस पोर्ट साइड में लगाना, प्लांट हार्डी है सर्दियों में डोरमेंट सी में चला जाता, टेंशन मत ले कि आपका पौधा ख़राब है। सर्दियों में जैसे पौधा डोरमेंट सी में जाने शुरू हो जाए इसकी उसी टाइम प्रूनिंग करें, ना कि प्रॉपर पूर्ण सर्दियों में, जैसे सितंबर अक्टूबर में जैसे ये फ्लावरिंग देना बंद करें, ब्रांच सूखना स्टार्ट करें, उसी टाइम इसकी प्रूनिंग करके इसको छोड़ दें और उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करें, सिर्फ महीने में 15 दिन में एक बार वाटरिंग करें और इस पौधे को ऐसे ही रहने दें, तो ये पौधा आपका सालों साल चलेगा, फ्लावर आपके बहुत अच्छे हैं। खाद आपने साल में 2 बार डालनी बहुत ज़रूरी है, मिट्टी में तो आपने 50% डाल दी, जैसे फरवरी स्टार्ट हो, नई ब्रांचा स्टार्ट होती है उस टाइम इसमें गोबर की खाद, लीप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो आपके पास इजीली उपलब्ध हो वो डाल सकते हो। मैं तो गोबर की खाद और इसमें आधी चम्मच नीम खली डालता हूँ ताकि कीटनाशक अगर मिट्टी में कोई प्रॉब्लम हो तो वो ख़त्म हो जाए नीम खली से, और कपूर जो हम जलाते हैं जोत में उसका वाटर का इस पर एक बार स्प्रे कर देता हूँ अप्रैल एंड में, तो ताकि इस पर कोई बीमारी का अटैक ना हो, क्योंकि नई ब्रांच पे लीप पे अप्रैल में सीजन ऐसा होता है कि गेहूँ कटती है तो उसका इफेक्ट वीट का खेतों से वो गमले की तरफ आते हैं, तो उसलिए इस पर लीप एक बार पूरे गार्डन पे ही मेरा अपने आदत है, तो मैं कपूर को पानी में रात को रख के छोड़ देता हूँ तो वो सुबह या 2-3 दिन में बिल्कुल सेट घुल जाता है, उसको हिला थोड़ी देर हिलाने के बाद हर दिन हिला लो तो उसका स्प्रे करो, आपके पौधे पे बीमारी बहुत कम लगेगी। और यह पौधा भी ज़रूर अपने गार्डन में लगाए, बहुत अच्छा फ्लावर है, बोगनवेलिया के ते फ्लावर इससे बहुत सुंदर है, इसके लीफ भी देख सकते हो कितने कोमल, देखने में तो आपको ये नीम का पौधा लग रहा होगा लेकिन ये टिकोमा है, और टिकोमा का फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है। और यह टिकोमा पौधा आपको कैसा लगा, इसकी देख रेख या इसके बारे में और कोई आपका डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो आपको अगर यूजफुल लगी है तो इसको शेयर जरूर करें, ताकि किसी दोस्त पे ये पौधा लगा रखे तो फर्स्ट टाइम ले आया हो तो इस पौधे को सर्दियों में कहीं वो सूख का समझ कर बाहर ना गिर दे। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय गार्डनिंग।